दुनिया में दो तरह के रास्ते हैं, एक रहमान का रास्ता है और एक शैतान का रास्ता है, एक उम्मीद का रास्ता है और एक मायूसी का रास्ता है, एक मस्बत सोच का रास्ता है और एक मनफी सोच का रास्ता है। जो रहमान का रास्ता है वो उम्मीद, यकीन और मस्बत सोच का रास्ता है, और जो शैतान का रास्ता है वो मायूसी, नाउम्मीदी और मनफी सोच का रास्ता है। जरा रुकिए और सोचिए कि आप किस रास्ते पर हैं। आप रहमान के रास्ते पर हैं या आप शैतान के रास्ते पर हैं? यू आर व्हाट व्हाट यू थिंक। तुम वही कुछ हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तो सोचिए आपकी सोच किस रास्ते की मुसाफिर है। अरशादे बारी ताला है, वला तासु में रूह हिला, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और अगर आप मायूस हैं तो क्या आप रहमान के रास्ते पर हैं? अच्छे बुरे हालात जिंदगी की साइंस है। अगर हजान आए तो नए फूल कैसे खिलेंगे? हजान की आमद ही बहार की नुईद है। हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग हमारा आज का टॉपिक है। मैं यहां आपके साथ 5 एडवाइसेस शेयर करूंगा। अगर आप उन एडवाइसेस पर अमल करें तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर सकेंगे। नंबर 1, माइंड योर कंपनी। साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक आपकी सोच उन 5 लोगों की एवरेज होती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जरा सोचिए कि वो 5 लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो किस सोच के मालिक हैं। अगर तो वो पॉजिटिव सोच के मालिक हैं तो ये आपके लिए एक नेमत है, और अगर वो पॉजिटिव सोच के मालिक नहीं हैं तो प्लीज अपनी कंपनी को रेनोवेट कीजिए। उन 5 लोगों में पॉजिटिव लोगों को ऐड कीजिए। नंबर 2, डोंट बी लाइक अ बेल। एक घंटी की तरह मत बनिए जिसे जब चाहे कोई बजा दे। आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात करे, कोई आपके साथ तनकीद करे, तो उसके साथ बहस मत कीजिए और अपने मिजाज को खराब मत कीजिए। ये मान लीजिए कि ये उस इंसान की नेचर है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। नंबर 3, रिमूव द ग्लासेस एंड सी द रियलिटी। हम अक्सर किसी चीज को देखे बगैर उसके मुतल्लिक एक राय कायम कर लेते हैं और बाद में परेशान रहते हैं। हमें यह बात मानना होगी कि हर इंसान के सर्कमस्टांसेस, हालात, मसाइल मुख्तलिफ हैं। जब हम एक ही ऐनक से सभी इंसानों को देखते हैं तो वह हम गलत नंबर की ऐनक से सही नंबर को देखने की कोशिश करते हैं और हम मायूस हो जाते हैं। आज से इस बात का अहद कीजिए कि आप तब तक किसी के मुतल्लिक कोई राय कायम नहीं करेंगे जब तक आप डेप्थ में जाकर असल चीज का पता ना लगा लें। नंबर 4, सेव योर एटीट्यूड। अपने मिजाज की हिफाजत कीजिए। वो तमाम चीजें जो आपके मिजाज में नेगेटिविटी बढ़ते हैं उनसे दूर रहिए। दुखी गाने, दुखी फिल्में और वो शख्सियात जो आपके नेगेटिव इमोशंस को उबारती हैं उनसे जरा फासले पर रहें। उनकी जगह पर अच्छे लोगों को ऐड करें। नंबर 5, बी स्ट्रॉन्गर डेली। रोजाना की बुनियाद पर अपनी इसलाह कीजिए, नए नए आइडियाज का मुताला कीजिए और अपनी सोच को वसत दें। कामयाब शख्सियात से मिलिए और देखिए कि जो सही मानों में कामयाब हैं। एनालिसिस कीजिए कि वो सभी लोग पॉजिटिव लोग होंगे। अपनी मंजिल पर नजर रखिए। मुश्किलात, मसाइल, रास्ते के पत्थर मत देखिए, ये कामयाबी का हिस्सा है। अपनी मंजिल पर नजर रखिए। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।